अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नुमान भट्ट। आपको हमारे चैनल पे एक बार फिर खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट न्यूज़ से आप अपडेट रह सकें। चलते हैं आज की लेटेस्ट न्यूज़ की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि चीनी स्कैंडल चल रहा है, इस हवाले से जहांगीर तरीन और अली खान तरीन पर इल्ज़ाम आ रहा है कि इनकी वजह से बुहरान आया, इन्होंने धांधली की। इस हवाले से इन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है और मुलाकात का नतीजा क्या निकला इससे हम आपको आगाह करेंगे और इमरान खान साहब ने क्या कहा इससे हम आपको आगाह करेंगे। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन के हामी अरकान पार्लियामेंट की हदशात दूर करने के लिए वक्त मांग लिया है। ताहम इन्होंने ये नहीं बताया कि ये हदशात कब तक दूर किए जाएंगे। जहांगीर तरीन की हामी अरकान पार्लियामेंट ने रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज के सरबराही में मंगल को वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की और इन्हें जहांगीर तरीन और इनके बेटे अली तरीन के खिलाफ हालिया दर्ज होने वाले मुकदमात और मशीर बड़ा एहतसाब शहजाद अकबर के बारे में अपने तहफ़ुज़ात से आगाह किया। मजीद आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात करने वाले अरकान पार्लियामेंट की तादाद 33 है, जिनमें कौमी असम्बली के 11 और पंजाब असम्बली के 22 अरकान शामिल हैं। पंजाब असम्बली के अरकान में 6 सूबाई वजीर और एक मशीर भी शामिल है। और इससे क्वेश्चन कुछ उठे हैं, उन वो मेरे आपसे क्वेश्चन है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन ये है, क्या चीनी कमीशन जहांगीर तरीन की वतन वापसी को कड़वा बना सकती है? और दूसरा, चीनी फोरेंसिक रिपोर्ट पर असल सवाल चीनी बरामद करने की इजाज़त किसने दी? ये क्वेश्चन आप मुझे बता सकते हैं। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो यकीन दहानी कराई है इसके बारे में आपको हम बताते हैं तफसील से। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से नुमाइंदे से मुतसर गुफ्तगू में राजा रियाज का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये यकीन दहानी कराई है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ दर्ज होने वाले मुकदमात की तफ्तीश मेरिट पर होगी। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने यकीन दहानी करवाई है कि वो तफ्तीश की निगरानी खुद करेंगे ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो। मजीद आपको बताएंगे, इमरान खान साहब ने कहा कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक रुकनी कमेटी भी बना दी, एक रुकनी कमेटी उन्होंने बना दी है और मुलाकात में मौजूद एक हुकूमती शख्सियत ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर हमें बताया कि जहांगीर तरीन के हामियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तदा की कि चीनी के बढ़ान के तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दे दी जाए, जिसकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट के 2 रिटायर्ड जस्टिस चीफ जस्टिस साहबान, जिनमें जस्टिस नासिरुल मलक और जस्टिस तस्दीकुल हसन जिलानी शामिल हैं, करें। अगर वह नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट के 1 रिटायर्ड जज सायर अली को इस कमीशन की सरबराही दे दी जाए। ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान साहिब ने इनकी इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। मजीद आपको बताएंगे कि हुकूमती शख्स के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट ने शहजाद अकबर की जहांगीर तरीन के खिलाफ मुकदमा की तफ्तीश में मुबीना मुदाहलत के बारे में शिकायत के अंबार लगा दिए। ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पर कोई रद्दअमल नहीं दिखा दिया और सिर्फ यही कहा कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। इन्होंने एक कहा कि FIA की तहकीकात पर कोई असरअंदाज नहीं होगा। तो इस हवाले से जो है वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी ने कहा क्या कहना है कि मुलाकात के दौरान जहांगीर तरीन के हामी अरकान की तरफ से ये तासीर दिया गया कि इनके खिलाफ मुकदमात सियासी नौयत के हैं। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने सेनेटर अली जफर को इस मामले को देखने का हुक्म दिया है, जिसके बाद वो मज़कूरा अरकान पार्लियामेंट को इस बारे में आगाह करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़, आपको मैंने इसे आगाह किया। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। नासिर।